स्वागत है आप सभी के हमारे सजीर भाई गुरु चैनल में आने के लिए धन्यवाद। दोस्तों मेरा नाम है सजीरुद्दीन और आप देख रहे हैं सजीर भाई गुरु। तो दोस्तों चलिए कुछ आज नया सीख लेते हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा जो स्टार सिटी टीवीएस का जो मॉडल है 2005 वाला ओल्ड बाइक जो है ये प्रॉब्लम बार बार हो जाता है, ये जो हेडलाइट बॉल है कट जाता है। देखो यहाँ एक और है, ये भी कट चुकी है और एक पॉइंट ये बचा हुआ है आप लोगों को दिखाने के लिए, इसे भी मैं काट के दिखाऊंगा और क्यों करता है बार बार मैं इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों इसका आर्मेचर कॉयल और पूरा वायरिंग चेंज कर दिया है, मैं बता देता हूं आपको। जैसे कि ये वायरिंग है, नया वायरिंग डाला है, फिर भी इसका सॉल्यूशन सॉल्व नहीं हुआ है। तो दोस्तों प्लेट और रेगुलेटर चार्जर न्यू डाला है फिर भी नहीं हुआ है, तो ये पुराना वाला ही मैंने डाल दिया क्योंकि ये बिल्कुल ठीक है। और कॉइल प्लेट वायरिंग वगैरह सब कुछ नया लगा दिया है, फिर भी इसका जो हेडलाइट बॉल है बार बार कट जाता है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा इसका कारण क्या है और क्यों करता है दोस्तों, क्योंकि सब कुछ ठीक है, वायरिंग भी ठीक है, आर्मेचर कॉइल भी ठीक है, रेगुलेटर कॉइल भी ठीक है, लेकिन बार बार क्यों करता है मैं आपको टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। पकड़ो मोबाइल पकड़ो दोस्तों, ये RR यूनिट का जैक है, मैं लगा दिया। अब बाइक को स्टार्ट करूँगा और आपको दिखाऊंगा एक बॉल कट जाएगा। स्टार्ट मारो दूर थे गए। तो दोस्तों मेरा अब मैं ये मेरा हेडलाइट का स्विच खराब है, डीपार मेरा काम करेगा लेकिन मैं तो देखो जलने का बाद ये कट गया, ये मेरा बॉल कट गया है, एक पॉइंट था बचा हुआ कट चुकी है। तो दोस्तों देखो ये फिल्म ही चमका रहा है, ये भी बॉल भी कट गया, ये भी कट चुकी है, अब क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। तो नया बॉल मेरे पास है, मैं नहीं लगाऊंगा फिर मेरा लॉस हो जाएगा 105 रुपया, क्योंकि इस बॉल का कीमत है 105 रुपया। तो इसका कारण मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, चलो बाइक को बंद करो, अब यहाँ आइए आपको मैं दिखाता हूँ। दोस्तों ये मैंने कटा है, कट के मैंने वायरिंग ठीक कर लिया, लेकिन आप लोगों को बताऊंगा। देखो ये जो पीला पे रेड कलर है, ये पीला पे रेड कलर है, एक वायर ये और एक वायर ये, सफ़ेद जो वायर है इसमें रेड मिक्सचर है और ये पीला पे जो रेड मिक्सचर है ये दोनों चल जाता है RR यूनिट पर। जैसे कि रेगुलेटर चार्जर पे जाता है ये रेड, ये जो रेड पे पीला कलर का वायर है ये चल जाता है हेडलाइट के लिए, और दोस्तों ये जो व्हाइट पे रेड है ये चल जाता है बैटरी चार्ज के लिए। तो ये दोनों वायर जाना चाहिए इस वायर पर यहाँ तक, जैसे कि ये रेगुलेटर चार्जर है और इसका मैं वायर आपको बता देता हूँ। ये देखो ये रेड में ब्लैक है, एक तो जा रहा है ये बैटरी चार्ज के लिए, अब हेडलाइट के लिए ये वायर है। तो दोस्तों हेडलाइट के लिए ये वायर यहाँ आपको दूसरा मिलेगा, ये आउटपुट है, इनपुट नहीं है इसमें, तो मुझे इनपुट देना है। तो दोस्तों इनपुट ये जो है हेडलाइट का इनपुट मुझे रेगुलेटर चार्जर पर देंगे तभी तो फिल्टर करके बोल्ट को जाएगा। तो दोस्तों ये इनपुट मुझे किस तरह से देना है इस वायर को कट लेना है, ठीक है, क्योंकि न्यू मॉडल जो कॉइल प्लेट है इसका सिस्टम अलग है, इसको सिस्टम बनाना पड़ेगा, मैंने इसी वायर को कट लिया। अब ये इनपुट मेरा है जैसे कि RR यूनिट पर जाएगा, तो दोस्तों RR यूनिट पर ये इनपुट है, तो मैं इस जैक को भी खोल लिया और डायरेक्ट इस जैक को मैं लगा दिया। देखो ये पीला पे जो रेड है इनपुट है, आर्मेचर से आने के बाद ये रेगुलेटर में घुसता है तब जाके फिल्टर करके देता है, तब बॉल जो है बार बार नहीं कटेगा। तो दोस्तों मैंने इनपुट यहाँ लगाया और इस वायर को कट दिया, अब मैं इस जैक को लगा दूंगा। बस लगा दिया, तो ये हेडलाइट इनपुट हुआ और एक जो व्हाइट पर रेड कलर का है वो है बैटरी चार्ज इनपुट, और आउटपुट निकल रहा है दोस्तों, ये रेड में निकलता है बैटरी चार्ज देने के लिए और ये पीला कलर का जो है ये चल जाता है डायरेक्ट हेडलाइट स्विच पर। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ देखिए ये हेडलाइट स्विच है, इसका हेडलाइट स्विच यहाँ चल जाता है, बस ये क्या करता है डीपार स्विच को लाइट देता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो स्टार्ट मारो।
देखो ये नया बॉल है और ये नहीं कटने वाला है, मैं डिपार कर रहा हूँ। देखो तो नया बॉल है और ये नहीं कटने वाला है, मैं डिपार कर रहा हूँ। देखो तो दोस्तों इसी तरह प्रॉब्लम हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। जो मैकेनिक है काम करते हैं, रेगुलेटर चार्जर भी नया है, आर्मेचर कॉइल भी नया है, तो ये क्यों होता है? कंपनी जब वायरिंग का जो कनेक्शन करता है तो उसका जो दूसरे बाइक का मॉडल होता है उसका कनेक्शन अलग है, इस बाइक का मॉडल का कनेक्शन अलग है। लेकिन हम लोग को देखना चाहिए जो इनपुट और आउटपुट ठीक रहे तो हेडलाइट बॉल नहीं कटेगा। तो आर्मेचर कॉइल का कुछ डिटेल्स आपको दे देता हूँ। जैसे कि इनपुट हेडलाइट कॉइल है और बैटरी चार्ज कॉइल है और उसमें एक ग्राउंड रहता है दोस्तों, ये काला वायर जो है ग्राउंड है। ये अगर ठीक रहे तो आर्मेचर रेगुलेटर कॉइल अगर ठीक रहे तो हाई वोल्ट को लो करके ज़रूर देगा दोस्तों। अगर नहीं दे रहा है तो आप इनपुट आउटपुट ठीक से चेकअप करो कॉइल प्लेट से आने के बाद, यहाँ कौन सा वायर आता है। कंपनी ने जैसे कि इस वायर को दिया है, ये देखो पीला पे रेड, इसका साथ कोई लिंक ही नहीं है, इसका साथ कोई लिंक ही नहीं है। यहाँ देखिए यहाँ कोई भी वायर नहीं है, ये पीला पे वाइट है और ये पीला पे रेड है, तो कैसे फिल्टर होगा? तो मैंने इसे कट दिया है, इस वायर को कट के बाद दे दिया है और डायरेक्ट जो ये इनपुट है इसको कट के डायरेक्ट हम रेगुलेटर में घुसा दिया है, बोल्ट दे दिया है और आउट निकल के हेडलाइट पर आया और हेडलाइट बॉल इसी तरह से जलता है और इसी तरह से काम कर लेता है। सैंपल के तौर पे मैं आपको बैटरी चार्ज भी हो रहा है कि नहीं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी होता है। पहले फ्यूज बॉक्स को मैं खोल लूँगा, शॉर्ट करने से यहाँ क्या होगा, जो देखो क्या चार्ज भी आ रहा है ना। जैसे कि इस बॉल को देखो मैं फायरिंग कर रहा हूँ, ये लो हो रहा है, देखो लो हो रहा है, इसका मतलब बैटरी चार्ज भी हो रहा है और हेडलाइट भी जल रहा है। तो दोस्तों इसी तरह से काम करता है और इसी तरह से सॉल्व दूर करता है जब हेडलाइट बॉल बार बार कट जाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा रहा, अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाइक के साथ रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ और दिखाते रहता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जुड़ा रहिए सजीव भाई गुरु के साथ।